और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में बम बम भोले की गूंज, भक्तों ने बेलपत्र चढ़ाकर भोलेनाथ से मांगा आशीष। महादेव शिव की भक्ति और उपासना के महापर्व शिवरात्रि पर शुक्रवार की सुबह से ही शहर के शिव मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज उठती रही। लाखों भक्तों ने शहर के मंदिरों में पूजा अर्चना की और भोलेनाथ को भांग धतूरा बेलपत्र और दूध चढ़ाकर मंगल की कामना की। सानपाड़ा के बुद्धेश्वर शिव मंदिर, वासी के जागृतेश्वर मंदिर और पावणे के पावणेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। कुछ भक्तों ने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की, आइए सुनाते हैं। बुद्धेश्वर शिव मंदिर में हर साल यहाँ पे बड़े तौर पर महाशिवरात्रि का उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। 7 दिन का प्रोग्राम होता है, 7 दिन से पहले यहाँ पे महापारायण का प्रोग्राम होता है और आज देख रहे हो आज महाशिवरात्रि का उत्सव यहाँ पे बहुत भारी मात्रा से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं। लाइन सुबह 3 बजे से यहाँ पे लगी है और लोग दर्शन लेके यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए आ रहे हैं। तो मैं ये बुद्धेश्वर मंदिर का जो पूर्व इतिहास है वो हमारे 7 गांव का ये एक मंदिर है जिसको हम लोग बुद्धादेव कहते हैं, लेकिन शिव मंदिर के नाम से अच्छे तरह से यहाँ पे लोगों के मन में एक श्रद्धा निर्माण हुआ है। आपने देखा रहेगा कि ये जो एक पेड़ है, पेड़ के नीचे पहले शिव मंदिर का पिंड था, लेकिन हमारे पूरे परिवार ने यहाँ पे एक अच्छा मंदिर बना के अच्छा शिव मंदिर यहाँ पे का निर्माण किया है। भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक सेवा करने का हमारे भगत परिवार को एक मौका दिया और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सानपाड़ा सोनकार जो परिवार है, सोनकार परिवार के लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। एकमात्र एक शिव मंदिर है जो सेक्टर 1 और 13 से लेके 19 तक ये एक ही शिव मंदिर है और सभी लोग श्रद्धा से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नवी मुंबई और ये सानपाड़ा के सोनकार परिवार को मैं महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन की मान्यता ऐसी है कि शंकर भगवान का विवाह पार्वती जी का आज ही हुआ था और तब से ये प्रथा चली आ रही है। शंकर भगवान महान है, देवों को देव है। एक तो देवता होता है, देवों के देवता जो है वो शंकर भगवान है। बहुत जल्दी आशीर्वाद देते हैं और बड़ा हमारे मिश्रा जी, राजा राम सिंह वगैरह इनकी टीम जो है कई सालों से यहाँ ये
शरबत पिलाते हैं, जल पिलाते हैं, सेवा करते हैं। ये बहुत ही पुण्य काम है, बहुत अच्छा करते हैं। भीड़ में देख के बहुत प्रसन्न हूँ कि इतनी भीड़ यहाँ आती है, मुझे मालूम नहीं था कि इतनी भीड़ आती है। तो बहुत दिन बाद, 5 साल तो मैं सांसद था तो वहीं रह गया उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में। तो इनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, ये लोग अच्छे काम करते रहें और शंकर भगवान नई मुंबई पे, पूरी नई मुंबई पे, पूरे देश पे अपनी कृपा रखे, ऐसा मैं उनसे वरदान मांगता हूँ। ये मंदिर पूर्वी को नहीं बनो ले लेना है, ये जी शिव प्रतिमा है, पिंड है आमची, ती स्वयंभू प्रकट झालेली आहे आणि ही पांडव कालीन असून इथे अनेक वर्षापासून म्हणजे आमच्या वडिलांच्या वडिलांनी पण इथं ती पिंड बघितली आहे, तिची पूजा केलेली आहे। आज अनेक ठिकाणी मंदिरं झाली तरी पण या मंदिराचा प्रताप कमी होत नाही, लोकांची गर्दी तुम्ही बघतच असाल आणि हा उत्सव सर्व मिळून आम्ही इथं साजरा करत असतो आणि नवी मुंबईत सर्वात जास्त ज्याला भाविक मानतात आणि स्वयंभू मंदिर म्हणता येईल या एकमेव पावणेश्वर मंदिर आहे। आणि तुम्ही बघाल की ही गर्दी आता जशी वाढत जाईल लोकांना चालण्यासही रस्ता भेटणार नाही। तर आमच्या गावात अशी ख्याती आहे की आमच्या पावणे गावात नाक कुणाला चावत नाही, सर्पदंश आजपर्यंत इतिहासात कुणाला झाला नाही। मोठं जंगल होतं इथं पूर्वी, पण शंकराच्या पिंडीवर पहिले नाग येऊन बसायचा आणि तिथं दूध प्यायचा, पिंडीवर बसून राहायचं आणि जुनी लोकं जी पूर्वी पूजा करायची त्यांनी हे सर्व पाहिलेलं आहे, पण आजही त्याची ख्याती कमी होत नाही। पण या राजकारणामुळं राजकीय लोकांनी या मंदिराची ख्याती कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता, तरी पण स्वयंभू मंदिर असल्यामुळं त्याची ख्याती काही कमी झाली नाही। आजही हेच मंदिर लोकांना, भाविकांना हेच मंदिर आवडतं आणि भाविक याच मंदिरात जास्त दर्शनाला येतात। पावणे गाव में जो महाशिवरात्री का पर्व मनाया जाता है, ये एक ऐतिहासिक पर्व है। यहाँ पर ग्रामवासी, महाराष्ट्र के लोग, प्रदेश के लोग, पर प्रांत के लोग, बिहारवासी, उत्तर प्रदेश के लोग, सभी लोग मिल के हम लोग इस महापर्व को मनाते हैं। और इस पर्व में, इस पावणे गांव के मंदिर में जितने भी लोग आते हैं, हम लोग वर्षों से यहां पर लोगों को पानी पिलाने का काम करते हैं। हमारे हरबंस सिंह जी का एक मित्र मंडल है, आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड है, हिंदी भाषी विकास मंच, उसके माध्यम से विनोद मिश्रा जी, प्रसाद जी, सभी लोग लगे रहते हैं। हरबंस सिंह जी हर साल यहाँ पर आते हैं और यहाँ के ग्रामवासी मधुकर मुकदम जी हैं, इन लोगों का बहुत सहयोग रहता है हम लोगों को हमेशा से, और हम लोग सभी लोग मिलजुल कर लोगों की सेवा करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर और मैं हिंदी भाषी एकता मंच के सभी टीम को, विनोद मिश्रा जी को और अध्यक्ष जी को, मैं सभी को अपने तरफ से मैं लाख लाख हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो यहां पर समाज हित में लोगों के आज जो है सुविधा के लिए शरबत वितरण का और तमाम ऐसी सुविधा यहां के श्रद्धालुओं के लिए इन लोगों ने अपनी योगदान दे करके श्रम परिश्रम के साथ यहां लोग पूरे दिन, हफ्तों दिन से यहाँ की समस्याएं, यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए अपने श्रमदान दिए हैं, इसके लिए मैं लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को जो है कि हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये सारे लोग, ये पावेश्वर जो शिव जी का मंदिर हो, अपने आप में एक गौरव है। इस नई मुंबई में कहीं ऐसा जो है कि मिलाप नहीं होता है, लोगों की इतनी भरी भीड़ नहीं होती है। और ये पावेश्वर महाराज का सबके ऊपर असीम कृपा है कि सारे लोग आके जो है कि यहाँ दर्शन करते हैं और लाभ लेते हैं। इसी माध्यम से मैं TV1 इंडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि हर जगह निशुल्क, बिना किसी से कुछ लिए, चारों तरफ हर एक क्षेत्र में जाकर जो सारे जगह का समाचार लेकर लोगों तक पहुँचाते हैं, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये हमारा 15 साल से प्रोग्राम चल रहे हैं, लास्ट 15 ईयर्स, और हम लोग काफ़ी लोग मिलके, आपस में मिलके ये प्रोग्राम करते हैं। और ये महाशिवरात्रि के भव्य प्रोग्राम है, करीब करीब ना कुछ तो 24 से 25 हज़ार लोग आते हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कितनी पब्लिक है यहाँ पे। हाँ जी, सुबह 4 बजे से लेके शाम को रात को 12 बजे तक। ये ट्रस्ट हमारा 15 साल से है, इससे पहले MGM हॉस्पिटल के बाजू में था, 10 साल वहाँ हमने रखा था ये प्रोग्राम। वहाँ कोई कारण से वो मंदिर टूट गया, उसके बाद हम लोग इधर 6-7 साल से कर रहे हैं।
और हम लोग मिलजुल के 7-8 जने साथ में करते हैं। अभी तक ट्रस्ट बनाया नहीं है यहाँ का, वहाँ बना हुआ था ओम नमः शिवाय के नाम से। और इधर बहुत पब्लिक आती है, सुबह 4 बजे से चालू होते हैं लोग और शाम रात को 12 बजे तक लोग यहाँ पे आते हैं और अच्छे से प्रसाद सब खाते हैं। आप देख रहे हो सब अच्छे से सब प्रोग्राम चलता है और अच्छा प्रोग्राम होता है और आगे भी हम करते रहेंगे ऐसा प्रोग्राम। ये हमारे ओम नमः शिवाय सेवा दल की तरफ से है और ये हमारे यहाँ 25 साल से लगातार चल रहा है। पहले ये सेक्टर 4 में लगता था और जब से वहाँ का मंदिर तोड़ा है तब से यहाँ पर लगता है और ये दिनों दिन आगे आगे बढ़ता जा रहा है। मैं सबसे फिर भी अपील करूँगा, कहीं भी कोई भी ऐसा आयोजन होता है तो स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वच्छता से ही सबकी भलाई है, सबकी उसी में तंदुरुस्ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।